भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पटना पहुंचने वाले हैं। राजधानी पटना में उनका एक के बाद एक कई कार्यक्रम में वो शरीक होंगे, जिसको लेकर के मैं इस वक्त आपको पटना एयरपोर्ट का नजारा दिखा रहा हूं। और पटना एयरपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के एक से जितने भी दिग्गज नेता है वो सब पहुँच चुके हैं और जेपी नड्डा का स्वागत करने एयरपोर्ट के अंदर भी जा चुके हैं। और ये एयरपोर्ट के बाहर स्टेट हैंगर का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर हजारों हजार की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हैं। और एक के कह सकते हैं कि जितने भी दिग्गज नेता हैं, जितने भी बिहार भाजपा के बड़े नेता हैं, वो यहां पर पहुंच चुके हैं और अंदर गए हैं उनका स्वागत करने के लिए। और सबसे पहले एक तस्वीर हम आपको बाहर की दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए उनके स्वागत में स्वागत थाली जो है वो तैयार की जा रही है। देखिए जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जब पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो इसी स्वागत थाली के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो उनका स्वागत करेंगे। हम उनसे बातचीत करते हैं, कैसे स्वागत करेंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं जेपी नड्डा को बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। हम लोग जो है सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उनको जो है आरती दिखा के यहाँ स्वागत करवाएंगे। महिला लोग के वहाँ लगाए हुए हैं, हाँ महिला लोग के हम लोग लगाए हुए हैं। सारी थालियाँ हैं, इतनी सारी थालियाँ, सारी महिलाएं लगाए हुए हैं। हम लोग करीब 150 थाली लाए हैं, 150 थाली जेपी नड्डा जी के स्वागत में हम लोग जो है लगे हुए हैं। हाँ, थोड़ा सा नजारा आपको जो है ये पटना एयरपोर्ट स्टेट हैंगर के बाहर का दिखाने की कोशिश करते हैं, जहां पर आप देखिए कि किस तरीके से भीड़ जो है वो काफी संख्या में है। और एक तकरीबन सैकड़ों गाड़ियां जो है वो पटना एयरपोर्ट पर लग चुकी है और ये स्टेट हैंगर है जहां से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो पहुंचेंगे और इसी रास्ते से वो बाहर निकलेंगे। और उसके बाद राजधानी पटना में राष्ट्रीय अध्यक्ष का रोड शो होगा, जो शेखपुरा मोड़ से होते हुए तमाम अलग अलग जगहों से होते हुए बापू सभागार पहुंचेंगे। और बापू सभागार में कैलाशपति मिश्र की 100वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में जेपी नड्डा शरीक होंगे और ये कार्यक्रम जो है तकरीबन 2 से 3 घंटे तक चलेगी। उसके बाद थोड़ा सा विराम करने के बाद शाम 4 बजे पार्टी ऑफिस में, भारतीय जनता पार्टी के पार्टी ऑफिस में बिहार भाजपा के पदाधिकारियों के साथ अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक करेंगे। और उसके ठीक 1 घंटे बाद विधायक दल की बैठक होगी। शाम 5 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा विधायक दल की बैठक करेंगे और 6 बजे फिर कोर कमेटी की बैठक होगी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की 3 घंटे तक लगातार जो है वो बैठक चलने वाली है। 4 बजे से 7 बजे तक बिहार भाजपा के प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक के बाद एक 3 बैठक करेंगे। पहली बैठक जो है वो पहली बैठक पदाधिकारियों के साथ होनी है, दूसरी बैठक बिहार भाजपा के जितने भी विधायक और सांसद हैं उनके साथ होगी और तीसरी बैठक जो कोर कमेटी के लोग हैं उनके साथ होगी। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि बिहार में पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव होने हैं और उसके बाद बिहार विधानसभा का चुनाव है, तो इन दोनों चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का ये एक स्ट्रोक हो सकता है। और उसको लेकर के जेपी नड्डा जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और पहुँचेंगे और उसके बाद जो है उस पर रणनीति जो है प्रदेश कार्यालय में बनाई जाएगी, जहाँ वो अपने विधायकों के साथ बैठेंगे। चलिए उससे पहले का हम एक नज़ारा दिखाते हैं, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हैं, महिला कार्यकर्ता हैं और हाथों में आरती लेकर पहले से ही खड़ी हो गई हैं, पहले से ही खड़ी हैं। जब स्टेट हैंगर से बाहर से ये जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो जब बाहर निकलेंगे तो ये महिलाएं जो है वो उनका स्वागत करेंगी। और उनके स्वागत में यहाँ पर देखिए दर्जन भर से ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो उनके हाथों में स्वागत की थाली है, थाली में आरती जलाई गई है, अक्षत रखा गया है और साथ ही साथ मौली है और चंदन टीका है और खूबसूरत जो है स्वागत की थाली जो है वो यहाँ पर सजाई गई है। चलिए हम कुछ कार्यकर्ताओं से जुड़कर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हम कैसे स्वागत करेंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का जब वो आज यहाँ पर पहुंचेंगे, क्या क्या तैयारी है? यहाँ अक्षत रखे हैं, रोली रखे हैं, मौली रखे हैं और दीपक जला के रखे हैं। पहले हम लोग मौली रोली लगाएंगे, अक्षत छिटेंगे, दीपक दिखाएंगे और मौका मिला तो मौली भी बांध देंगे। अध्यक्ष जी रुकेंगे आप, उनको मौली बांध देंगे? जी बिल्कुल बांध लेंगे। जी कम से कम हम लोग 1 घंटा होने वाला है। जी 12 बजे तक हुआ है कि आ जाएंगे, 12 बजे तक वो आ जाएंगे। जी 12 बजे तक आ जाएंगे। जी मैं नगर अध्यक्ष महिला मोर्चा ममता मिश्रा छपरा सारा। तो देखिए किस तरीके से और भी महिला कार्यकर्ता जो है वो इस स्वागत कार्यक्रम में जुड़ती जा रही हैं और उनके हाथों में स्वागत की जो थाली है वो दी जा रही है। तस्वीर देखिए, स्वागत की जो थाली है वो इन लोगों के हाथों में दी जा रही है और उसके बाद जो है ये लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहले से खड़ी है और अभी से थोड़ी देर बाद
जेपी नड्डा जो है वो विशेष विमान से पटना एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और उसके बाद स्टेट हैंगर के द्वारा इसी रास्ते से वो जो है बाहर निकलेंगे और उसके बाद सैकड़ों की संख्या में जो गाड़ियों का काफिला है वो उनके रोड शो में शामिल होगा और शेखपुरा मोड़ होते हुए राजवंशी नगर होते हुए पटना के बापू सभागार तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो पहुंचने वाले हैं और उसको लेकर के तैयारियां जो है वो हम आपको एयरपोर्ट से दिखा रहे थे। इसे ये तस्वीर देखिए जहां पर भारी संख्या में जो है वो भीड़ है और उसके बाद अभी से थोड़ी देर में ही सूचना है कि अभी से थोड़ी देर बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो पटना एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे और लैंड करने से पहले की ये तस्वीर हम आपको पटना एयरपोर्ट पर दिखा रहे हैं जहाँ पर देखिए किस तरीके से भारी संख्या में उनके पार्टी के जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं वो पहुँच चुके हैं और अभी भी गाड़ियों का जो काफिला है वो लगातार आ रहा है। और अब ये तस्वीर देखिए आप जहाँ पर जेपी नड्डा जिंदाबाद के नारे जो हैं वो भी लगाए जाने लगे हैं कार्यकर्ता हैं। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से जो जेपी नड्डा के जो कार्य के आगमन से पहले जो स्वागत है वो यहाँ पर करने के लिए महिलाएं जो हैं वो खड़ी हैं। अनिकेत आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ तस्वीरें आप दिखाते रहिए। उन सब के बीच जेपी नड्डा के आने को लेकर उत्साह का माहौल है पटना में, वो जानने समझने के लिए बीजेपी नेताओं के कुछ बयान भी सुन लेते हैं। बता दें कि बड़ी संख्या में बीजेपी नेता जेपी नड्डा के स्वागत के लिए इकट्ठा हुए। सबसे पहले देखते हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय इस मौके पर क्या कह रहे हैं। आजकल दरभंगा में से रात में आते हैं ना, आज श्रद्धे कैलाशपति जी की जन्म शताब्दी समारोह में बिहार के जनसंघ काल से अभी तक के कार्यकर्ता जुट रहे हैं। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी उसमें पधार रहे हैं। संतुष्ट कौन है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, पहली बात। दूसरी बात, सबसे जो ज्यादा विवादास्पद बात है कि अगर आप पूरे बिहार क्यों नहीं रिलीज कर रहे हैं जिससे कि सच्चाई सभी को पता चल सके। अब पूरे बिहार का डाटा रिलीज करना शीघ्र, मुझको पूरा विश्वास है कि चूंकि उनको योजना बनानी है किस हिसाब से उनका विकास हो, तो जिस जाति की प्रमुखता जिस ब्लॉक में है उसके लिए स्पेसिफिक योजना बनानी होगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि यह बूथों पर से लेकर के ब्लॉक तक का आंकड़ा माननीय नीतीश कुमार जी शीघ्र जारी करेंगे जिससे कि जो यह भ्रांति फैली हुई है पूरे बिहार में, सभी समाज को लगता है कि उसके आंकड़े कम करके बताए गए हैं, इस भ्रांति को दूर करने का कार्य माननीय नीतीश जी को शीघ्र करना चाहिए। ब्लॉक वाइज डाटा रिलीज हो जाएगा, सबको सच पता चल जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी भ्रांति। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बिहार से भी अपने स्टूडेंट लाइफ से भी रिश्ता रहा है, पूज्य कैलाशपति मिश्र जी से भी व्यक्तिगत रिश्ते उनके रहे हैं और आज आ रहे हैं तो आज आप देख रहे हैं कि अजीबो उत्साह हमारे सभी कार्यकर्ताओं में है। जो बिहार के कार्यकर्ता आए हैं उनमें भी, जो नहीं आए हैं उनमें भी, सब में एक अलग अपना उत्साह बना हुआ है। हमें पूज्य कैलाशपति मिश्र जी को नमन करता हूँ और उनके जो विचार थे, चूँकि कार्यकर्ता ही रीढ़ थे, कार्यकर्ता ही पार्टी के लिए रीढ़ के काम करते थे, कार्यकर्ता ही समाज को नए निर्माण के लिए काम करते रहे और आज उन्हीं लोगों का देन है, उन्हीं लोगों के उस खून पसीने पर पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और पार्टी आज दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना करके, सरकार दुनिया में एक अलग पहचान बना करके आज खड़ी हो गई है जिसमें पूज्य कैलाशपति मिश्र जी का बहुत बड़ा योगदान। क्या कुछ मंथन होने वाली है? हाँ, थोड़ा देर नहीं। हाँ, जेपी नड्डा रहे, किस तरीके से इसको देख रहे हैं कार्यकर्ता? स्वागत होगा आज का करके है, उस पूरे बिहार से लोग आ रहे हैं तो आज हम सबों के लिए आज का दिन जो है बिहार की राजनीति में बड़ा महत्व रखता जा करके है और माननीय नड्डा साहब हमारे राष्ट्रीय जो आए हैं उनका स्वागत करेंगे जा करके, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर जा करके है और कैलाश जी का बहुत बड़ा योगदान था राजनीति में जा करके, उनको हम याद करेंगे। जातीय जनगणना को किस तरीके से देख रहे हैं? 36% है, सीएम होना चाहिए। बिल्कुल बेशक, हम तो कहेंगे नीतीश कुमार को इस्तीफा करना चाहिए, तेजस्वी यादव को इस्तीफा करना चाहिए। सबसे बड़ी आबादी जो पिछड़ों का जा करके है उसके हिसाब से मुख्यमंत्री हो, उपमुख्यमंत्री हो जा करके बिहार का मंत्रिमंडल जो है उसमें भी उसी हिसाब से होना चाहिए, मेरा मांग है जा करके।
हम तो आपको फोन किए थे कल दरभंगा से रात में, तो आते हैं ना आज श्रद्धे कैलाशपति जी की जन्म शताब्दी समारोह में बिहार के जनसंघ काल से अभी तक के कार्यकर्ता जुट रहे हैं। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी उसमें पधार रहे हैं।